अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जैश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ, आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रैप सात ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील साहब है, ये वही वकील साहब है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील साहब भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे, और आप लोग स्केयर भी किए थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको। ये मारा गया, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनांसली फिजिकली, वो लोग कंप्लेंट भी करते थे बार बार, उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है, बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुँच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया, कि अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितने वर्कर्स हैं पहले भी रहा है, जैसे मिलिटेंसी से हुआ है, इंटेलिजम 89 से टारगेट है, सब टारगेट है, चाहे पुलिस वाले जो रैली घर जाते हैं या कुछ जर्नलिस्ट जो सही बात बोलते हैं, तो ये सब टारगेट है। नेशनल लोग हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिए, लेकिन सबको देना संभव नहीं है। फिर भी अगर किसी को थ्रेट मिलता है या वनरेबल एरिया में रहता है तो उसका असेसमेंट करके उसको लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 2 इंसिडेंट हुआ, 2 अनंतनाम हो गया, हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन उसमें बहुत लीड मिला है, बहुत जल्दी उसको हम लोग या तो जिंदा पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसा पहले बता चुके हैं कि पॉलिटिकल किलिंग में राकेश पंडिता किलिंग में इन्वॉल्व था, उसके अलावा जो SPO थी उसको मारा है, एक लेडी सिविलियन को मारा है, बहुत सारे ग्रेनेड में इन्वॉल्व है। अभी चूंकि डेड बॉडी नीचे आ जाएगा थाना में, दोनों बाकी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसका प्रोफाइल जो क्या क्या क्राइम इन्वॉल्व है आप लोगों को इवनिंग में शेयर कर देंगे। अभी चूंकि आइडेंटिफिकेशन दो का नहीं हुआ इसलिए उसके बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। 42R ने मैच्योर किया है, जहाँ तक मेरे को पता लगा है ये तीनों टेररिस्ट जो हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, और वहाँ के लोकल गुज्जर कम्युनिटी हमारे को, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लंबू के ऑपरेशन में भी बताया था, इनके अगेंस्ट 3-4 बारी हमें खबर दे चुकी थी। वो बता रहे थे कि ये लोग वहाँ पर कुछ एक लेडीज़ को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। एक ये बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और आगे भी मेरे हिसाब से जितने भी इलाकों में इनकी मूवमेंट की हमारे पास कोई भी खबर आती है पुलिस के ज़रिए या हायर हेडक्वार्टर्स कोर हेडक्वार्टर्स से, सूटेबल ऑपरेशंस लॉन्च करके इनको एलिमिनेट किया जाएगा। वो AK-47 एक SLR बरामद की गई है, काफ़ी एमिनेशन भी वहाँ से मिला है, एक UBGL भी मिला है। कम से कम इन लोगों ने 8-10 UBGL के राउंड फायर किए थे, कुछ एक राउंड ये लोग फायर नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया।